In this মানে অন sentence, লাস্ট ডেট অফ হিয়ারিং ম্যাটারস দি অনারেবল কোর্ট ইস্যুড এ কন্টেম্প নোটিস টু আ পার্সন হু হ্যাজ গিভেন আ ফলস ডকুমেন্ট প্রোডিউস বিফোর দিস অনারেবল কোর্ট অ্যালং উইথ দি এফিডেভিট ম্যাটার শুভ কদম এন্ড দ্য ওনার ওয়াজ কল্ড আর্লিয়ার বিফোর দিস অনারেবল কোর্ট অ্যান্ড হি অ্যাপিয়ার্ড বিফোর দি কোর্ট অ্যান্ড সেড দ্যাট আই এম নট দি ওনার অফ দি শপ এন্ড হি इसमें रिप्लाई हो गया चंदन माखीजा নো हैज ম্যাটার হি হ্যাজ फाइलिंग माय वकालतनामा फॉर चंदन माखीजा। What is your contention? यस लॉर्ड, आई हैव सॉट इंस्ट्रक्शंस माय लॉर्ड। ही सेज माय लॉर्ड दैट द लेटर हेड व्हिच इज देयर माय लॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, लॉर्ड द सिग्नेचर इज नॉट हिज सिग्नेचर। काइंडली सी द सिग्नेचर माय लॉर्ड एंड काइंडली सी द अदर एफिडेविट व्हिच इज फाइल्ड बाय द सेम पर्सन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, दैट इज ऑन रिकॉर्ड माय लॉर्ड। द बोथ द सिग्नेचर्स आर डिफरेंट माय लॉर्ड। And the वकालतनामा he has signed for me, this signature is also not that signature which is on that disputed That document. is that means it's a perennial fraud. हाँ He ये signs this in is different not if capacity. he is saying so. Let it be sent to the police. He will investigate where from. नहीं If you are creating certain document and you are banking upon it, that 3 जगह signature अलग है. नो नो, 3 जगह सिग्नेचर अलग नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट में जो सिग्नेचर है, दैट डॉक्यूमेंट दैट दैट इज नॉट माय सिग्नेचर, दैट कैन बी एसर्टेन्ड बाय द अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन फाइल्ड हैविंग सिग्नेचर ऑफ चंदन माखीजा। द अदर सिग्नेचर्स आर इंटायरली डिफरेंट, इवन इन माय वकालतनामा आल्सो ही हैज साइंड, दैट इज अ खत्री डिफरेंस। कौन है? ही इज अपीलेंट अपीलेंट एंड सो फार एज द फैक्ट। जस्ट अ मिनट, जी वेयर इज हरीश खत्री? टुडे हैज ही कम? आए बुलाइए अलर्ट से हरीश खत्री. हरीश खत्री, जी सर। ये जो डॉक्यूमेंट फाइल किए थे ना आपने, D1 शुभ कदम, जी सर ये किसने दिया था आपको? जी सर शुभ कदम, ये जो डॉक्यूमेंट फाइल किए थे ना, किसने दिया था? सर मैंने आवेदन दिए लगाए थे सर, कहाँ पे? यहाँ कोर्ट में सर। नहीं, ये तो आपने लगाया ना आवेदन, गोल जी गोल नहीं, सीधा सीधा आंसर कीजिए. जी सर आवेदन आवेदन ये सब नहीं, अब समझने को आप उतना समझते हैं. बताइए शुभ कदम, वो जो D1 किसने दिया था इनको, यही पूछना है खाली. D1 किसने ये दस्तावेज कहाँ दिया था आपको, से लाए थे वो? आपने जो लगाया है? उनकी दुकान से बताइए सर। ये कागज उनकी दुकान से लाए थे सर, किसके दुकान से? शुभ कदम के, शुभ वहां कदम काम करते थे सर। काम करते हैं वहां पर. जी The appellant who is present in person on being confronted with the document D1 which is filed along with the affidavit of the appellant that to show that he is working as the employee in Shubh Kadam which is signed by Chandan Makija. He said that he obtained it from the shop Shubh Kadam. किसने दिया? आप दुकान तो हो गया Shubh Kadam, किसने दिया? कोई आदमी तो होगा जिसने आपको दिया, जी आपने सर बोला होगा हमको दीजिए, सर किसने दिया चंदन था? चंदन माखीजा को मुझसे लिया था कागज, क्या आवेदन जो था कागज वो चंदन माखीजा से लिया था, अपने वहाँ जो मैनेजर है चंदन माखीजा दिया था जी उनसे आपको? लिया था, वहाँ काम वी करते थे। सबमिट दी सेड डॉक्यूमेंट वाज गिवन बाय चंदन माखीजा. वन चलिए, सबमिशन इज नहीं देयर, नहीं क्लोज कर, एक एक स्टेप को सील करते जा रहे नहीं हैं एक ना. हाँ, सबमिशन है। अभी कुछ ही नहीं, इज सेइंग अभी डोंट से एनीथिंग जी अनलेस वी आस्क यू. जी ओके, यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लीडिंग? यस डोंट से एनी सजेशन और एनीथिंग. नो नो एडवोकेट शुड कमेंट. वी आर डायरेक्टली इंटर मैन आस्किंग हिम. ओके, चंदन माखीजा ने दिया था? जी सर चंदन माखीजा इज देयर, यस कॉल हिम. यही है चंदन माखीजा? जी सर चंदन माखीजा हु वाज समन्ड बाय द कोर्ट एज टू व्हाई द कंटेम्प बी नॉट ड्रॉन. ही अपीयर्ड एंड व्हेन ही वाज कॉल्ड बिफोर द कोर्ट द एपेलेंट आइडेंटिफाइड द पर्सन एज चंदन माखीजा टू हुम द कंटेम्प नोटिस वाज इशू. यस, अब सील नाउ. यू गो, बोथ ऑफ देम बैठिए पीछे. जी व्हाई वी शुड नॉट डॉक क्रिमिनल कंटेम्प्ट? माय लॉर्ड, लॉर्ड आई एम प्रेइंग जस्ट टू सी द डॉक्यूमेंट। नथिंग डूइंग, विल सेंड इट टू द पर्सन. नहीं दी व्हाट द अपीलेंट द हैज, प्राइमरी एविडेंस वी हैव रिकॉर्डेड हियर. यस यस व्हाट द अपीलेंट हैज स्टेटेड जस्ट नाउ, ही मींस टू से दैट दिस लेटर पैड ही हैज ऑब्टेन, नॉट द रिटन लेटर पैड। माय लॉर्ड काइंडली नहीं, नथिंग नथिंग डूइंग. वी हैव आस्क्ड, वी नो व्हाट वी हैव आस्क्ड एंड ही हैड आइडेंटिफाइड. इट्स अ आइडेंटिफिकेशन बिफोर द कोर्ट. मेलोड, यस मेलोड ऑफ कोर्स, बट ही ऑब्टेन व्हाट एवर मे बी, ही ऑब्टेन इट फ्रॉम द पर्सन हु इज इन द पर्सन हु हाँ इज प्रेजेंट. बट ब्लैंक माय लॉर्ड ब्लैंक, काइंडली सी दी सिग्नेचर तो वंस, दोनों, बोथ ऑफ यू शुड बी सेंड टू द कस्टडी देन. लेट
kindly see the signature once. Manufacturing a document to mislead the court. But it's he obtained a blank document. I have instructions, my lord. Likha dete aapko, so that your defense is sealed subsequently. Learned counsel who appears for Chandan Makhija would submit that the blank document was obtained from Subkada. Whereas the appellant who appeared in person contended that he obtained the document D1 from Chandan Makhija. Sir, paper ke liye in bola. View of the contradictory statement, we deem it the prima facie it appears that the fabricated document has been placed on before the court to mislead the court in order to impart the justice on merits, which amounts to interference, which prima facie amounts to interference with the judicial, with the administration of justice.